यंगस्टर्स के लिए इट्स अ मस्ट वॉच, क्योंकि बहुत अच्छे रोमांस दिखाया गया है, तो बहुत मजा आएगा देख के। बहुत अच्छी, रिफ्रेशिंग, यंग, रिलेटेबल, बहुत अच्छी लगी मुझे। बेटर लगी मेरे को ये मूवी, क्योंकि एकदम जेन ज़ी टाइप मूवी है, मतलब जो बच्चे उन लोगों को अच्छी लगेगी, एकदम रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे को तो ऑनेस्टली देखूँ तो बहुत मज़ा नहीं आया, मतलब मूवी बहुत अच्छी थी, रोहित शरफ की एक्टिंग मतलब एकदम स्पॉट ऑन थी, मतलब लोगों ने सपोर्टिंग एक्टिंग बहुत अच्छी की है, मतलब लेकिन पूरा जो मेन कैरेक्टर है वो लोगों ने रोहित शरफ पे रखा है और वो बेस्ट था मूवी का। स्टोरी लाइन मेरे हिसाब से तो एकदम मतलब बेटर लगी मेरे को ये मूवी, क्योंकि एकदम जेन ज़ी टाइप मूवी है, मतलब जो बच्चे उन लोगों को अच्छी लगेगी, एकदम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एकदम आई कैचिंग मूवी है, न्यू स्टोरी है एकदम, और सब न्यू कमर्स है तो फ्रेश एक्टिंग देखने मिलेगी, तो बहुत अच्छी मूवी है। सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे मूवी के और डायरेक्शन भी सुपर था मूवी का। बहुत अच्छी, रिफ्रेशिंग, यंग, रिलेटेबल, बहुत अच्छी लगी मुझे। वेरी गुड, शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर, बट बहुत अच्छी लगी मुझे। And she was good actress. Rohit was like heartthrob. Zivran was very good, but Rohit like he was the hero of the movie. तो मैं उसको like you know 5 stars दूंगी, जो उन्होंने acting की, जिस तरह से he was getting in touch with the audience. Awesome. Songs were very good यार, भले वो वापिस इश्क विश्क की बहुत सारी songs उसके थे, लेकिन बहुत अच्छी जिससे उन लोगों ने movie के साथ connect किया था वो songs. तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू थे, सब सॉन्ग्स बहुत अच्छे, बहुत टचिंग, वेरी नाइस। या एक्चुअली बहुत छोटी थी मूवी, बट बहुत रिलेटेबल थी एंड वी वर एंगेज इन द मूवी। रोहित सराफ वॉज लाइक यू नो ही वॉज द सेंट्रल कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो, उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए इसके बीच जो शाहिद कपूर की पहली थी ना, उसके हिसाब से तो बहुत कमज़ोर लगी। वो सेलिब्रिटी और अच्छा हीरो और ये नए चेहरे, तो फ़र्क तो पड़ेगा। बाकी हम लोग पुराने टाइम के आदमी हैं, तो अच्छी मूवी, पुरानी मूवी सब देखे हुए हैं, और ये न्यू मूवी है, नया कॉन्सेप्ट है, नए चेहरे हैं, तो मेरे को तो ऑनेस्टली देखूँ तो बहुत मज़ा नहीं आया। मतलब है न्यू जनरेशन के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज़रा अटपटा मुझे लगा कि दोस्ती में चारों एक दूसरा को इस तरह करते हैं, तो ज़रा अजीब लगा। चारों की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई सवाल नहीं है, उन लोग के माँ बाप का थोड़ा थोड़ा रोल है वो भी अच्छा है, देहरादून का पिक्चर है, सीनरी है, वहाँ का कैफे वेफे नाइट लाइफ और दिखाया, वो सब अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिंसियरली अगर पूछा जाए तो उतना जमावट नहीं कर पाई पिक्चर, तो परफॉर्मेंस पश्मीना की बहुत अच्छी है, उसमें उसने उसको जो जिस तरह का रोल दिया उस तरह का रोल में वो सूट करती। डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, ड्यूरेशन छोटा, 2 घंटे की भी मूवी नहीं है, 2.5 घंटे की है, तो ठीक ही है, ड्यूरेशन लंबा होता तो हो सकता है और ख़राब होती। रेटिंग मैं 2.5 दूंगा आउट ऑफ 5 में। अच्छा था, कुछ लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, सो बिकॉज इट्स रिलेटेबल तो अच्छा मार्केट वैल्यू रहेगा। रोहित का तो डेब्यू नहीं बोलूँगी मैं ऑब्वियसली, बट बाकी तीनों का डेब्यू के हिसाब से वॉज नाइस, मतलब कास्टिंग वॉज वेरी नाइस, डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी वॉज टॉप नॉच, इट वॉज वेरी नाइस, बट म्यूजिक उतना वो नहीं लगा, बाकी एवरीथिंग वॉज नाइस। 3 out of 5। इश्क रीबाउंड अच्छी रोमांटिक मूवी है, डायरेक्टेड बाय निपुण धर्माधिकारी, और मूवी डेफिनेटली एक बार देखी जा सकती है, मतलब मैंने इंजॉय की, और सबसे बेस्ट पार्ट है 1 hour 45 minutes की मूवी है, तो कब शुरू होगी कब खत्म होगी पता नहीं चलेगा, और यंगस्टर्स के लिए इट्स अ मस्ट वॉच, क्योंकि बहुत अच्छे रोमांस दिखाया गया है, तो बहुत मज़ा आएगा देख के। हाँ वो तो 2003 में आई थी इश्क विश्क, उसका तो नहीं है ये, मतलब सीक्वल तो नहीं बोल सकते, वो भी अपने टाइम की बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन ये मूवी भी एक बार देखी जा सकती है। रोहित शराफ का रोल बहुत अच्छा है, और पश्मीना रोशन है इसमें, एक जिब्रान खान एक्टर हैं, शी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, प्रॉमिसिंग लगती हैं। रोहित सराफ एज यूजुअल वेरी करिज्मेटिक एंड वेरी नाइस एज एन एक्टर, ही हैज़ प्लेड हिज रोल वेरी नाइस। जिब्रान का भी बहुत अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है, नायला गरेवाल उनका भी रोल बढ़िया है, तो मुझे ये मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी, रोमांटिक मूवी है तो जो इसकी सिनेमेटोग्राफर है मिलिन जोग, उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग शार्प है बिल्कुल, 1 hour 45 minutes, तो मिलिन जोग जो सॉरी चंदन अरोरा जो इसके एडिटर हैं उन्होंने बहुत अच्छी एडिटिंग, डायरेक्शन अच्छा है निपुण धर्माधिकारी का, म्यूज़िक बहुत बढ़िया है रोचक कोहली का,
बादशाह का भी एक लास्ट सॉन्ग उन्होंने रीमिक्स किया है, गोरी गोरी मुखरे पे काला काला चश्मा, तो ओवरऑल देखी जा सकती है एक बार। इट्स नॉट अ मास एंटरटेनर, थोड़ी स्लो पेस्ट हो जाती है बीच में, बट इट इज़ डेफिनेटली फॉर यंगस्टर्स हु आर इनटू रोमांस, कॉमेडी भी है मूवी में, तो डेफिनेटली वन टाइम वॉच दे है। आई वुड लाइक टू स्टिल गिव 3 stars. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.